क्लास इस वीडियो के अंदर हम आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका कि एक आयरन अलमीरा आपकी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मुझे किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट वाली प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में क्यों होता है? क्योंकि उस सब्सटेंस की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, तभी वो सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं है तो वो सब्सटेंस आपका कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता, क्योंकि जो आयरन अलमीरा है हमारी, उसकी भी आपकी क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वो एक आपका डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो क्योंकि आयरन अलमीरा आपके घर में, आपके रूम के अंदर एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई करती है, तो इसका मतलब आयरन अलमीरा का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? फिक्स्ड है, और उसकी शेप तो हमें पता ही है, वो फिक्स्ड होती है ना, वो हमारी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब आयरन अलमीरा आपकी क्या होगी? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगी। ये हो गई आपकी एक वजह, ठीक है, कि क्यों आयरन अलमीरा आपकी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ठीक है, दूसरी वजह आपकी आयरन अलमीरा के रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने की है, वो है आपकी क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आपका रूम टेम्परेचर से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी था आपने मेल्टिंग ऑफ आयरन वाले वीडियो के अंदर कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और हमारे रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अगर मेरी आयरन अलमीरा रूम टेम्परेचर पर होगी तो उसकी उसका टेम्परेचर क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर आयरन अलमीरा का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियसली वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट तो कर नहीं सकती, क्योंकि मेल्ट तो आपकी वो तभी करेगी जब उसका टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर आपका आयरन का क्या है? आपका मेल्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, तो क्योंकि रूम टेम्परेचर की वैल्यू आपकी बहुत कम है आपकी आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब आयरन जो आपका रूम टेम्परेचर पर होगा आपका, वो आपका मोल्टन स्टेट में, यानी कि पिघली हुई स्टेट में नहीं होगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका रूम टेम्परेचर से क्या है? बहुत ज्यादा आपका। ठीक है, जिसकी वजह से आयरन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड शेप में ही रहेगा, वो पिघलेगा नहीं, यानी कि वो मोल्टन यानी कि अपनी लिक्विड शेप में आपका वो नहीं आ पाएगा, और इस वजह से आयरन की जो अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? सॉलिड शेप में होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरा ये भी आता है, जब मैंने आयरन की ये वाली दो प्रॉपर्टीज कंसीडर की हैं, क्योंकि आयरन अलमीरा आपकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम में होती है आपकी, इस वजह से आयरन अलमीरा आपकी सॉलिड शेप में होती है, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि क्योंकि आयरन अलमीरा के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए वो आपका सॉलिड शेप में होती है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड शेप की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है आपका, उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम ये भी तो कह सकते थे आपका कि क्योंकि आयरन अलमीरा के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम है, तो इस वजह से वो आपका सॉलिड स्टेट में होती है। तो ये वाला रीजन मैंने क्यों नहीं दिया आपका अपने आंसर के अंदर? तो ये रीजन मैंने इसलिए नहीं दिया आपके अपने आंसर के अंदर क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स को मैं देख नहीं सकती, मैं देख करके नहीं बता सकती, मैं मेजर नहीं कर सकती कि आयरन के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आपका ज्यादा है या कम है या जो भी आपका। ठीक है, तो क्योंकि मैं आयरन के पार्टिकल्स को देख नहीं सकती, तो इसलिए मैं पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस या फिर उनके अट्रैक्शन के बेस पे नहीं बता सकती कि आयरन अलमीरा आपकी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगी या नहीं होगी। देख मैं क्या सकती हूँ? आयरन अलमीरा की शेप को देख सकती हूँ, मैं उसके वॉल्यूम को देख सकती हूँ, है ना, मैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो क्योंकि ये चीजें मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इन चीजों के बेस पर ही आपका बताऊंगी कि आयरन अलमीरा आपकी रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? सॉलिड शेप में होती है। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि वुडन ब्लॉक जो होता है वो सॉलिड शेप में होता है, क्यों? रूम टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों कि रूम टेम्परेचर पर आपका कोई भी वुडन ब्लॉक आपका एक सॉलिड स्टेट में होता है, या फिर जो चेयर है आपकी लकड़ी की वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती है, ऐसा क्यों? तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर फिक्स रहेगा, क्या आप ये लिखोगे? क्योंकि जो भी सब्सटेंस आप बोल रहे हो कि वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो क्यों होता है? उसकी सिर्फ हमेशा दो ही वजह होंगी, क्या?
एक तो उस सब्सटेंस की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होगी, और दूसरा आपका उस सब्सटेंस का जरूर मेल्टिंग पॉइंट उसके रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होगा, तभी वो सब्सटेंस आपका क्या है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड शेप में है। ठीक है, तो ये दो वजह, यानी कि ये तो जो दो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, या आपके एक तरीके से जनरल रीजंस हैं किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड शेप में एग्जिस्ट करने के। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड शेप में रूम टेम्परेचर पर क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस सब्सटेंस की रूम टेम्परेचर पर फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, और क्योंकि उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपका रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो सब्सटेंस आपका रूम टेम्परेचर पर कौन सी शेप में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो विद दिस मेरा ये वाला वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका इसी टाइप के दो और क्वेश्चंस आपके डिस्कस करूंगी।